नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जोधपुर डिवीजन के मकराना फुलेरा सेक्शन के बीच में गोविंदी मारवाड़ से फुलेरा के बीच में डबलिंग चल रही है और डबलिंग के कारण नॉन इंटरलॉकिंग वर्क किया जा रहा है, जिसके कारण रेल यातायात काफी ज्यादा प्रभावित है इस रूट पर। डबलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 25 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 26 और 27 दिसंबर को इंस्पेक्शन लिया जाएगा नई लाइन का। ये देखिए आप रेलवे का नोटिस, पूरी जानकारी दी गई है इसमें इंस्पेक्शन की गोविंदी मारवाड़ से फुलेरा सेक्शन के बीच में। 26 दिसंबर को मोटर ट्रॉली से इंस्पेक्शन होगा और नॉर्मल मूवमेंट किया जाएगा सीआरएस ट्रेन का, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे ये ट्रेन चलेगी। और फिर 27 दिसंबर को मोटर ट्रॉली से फिर से इंस्पेक्शन होगा और इसके बाद 27 दिसंबर को ही हाई स्पीड ट्रायल रन लिया जाएगा नई लाइन पर। और यह सीआरएस इंस्पेक्शन सक्सेसफुल होने के साथ नए साल की शुरुआत होते होते नई लाइन पर ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। और पहले जब सिंगल लाइन सेक्शन हुआ करता था ये, तब ट्रेनों की क्रॉसिंग में समय की बर्बादी होती थी और ट्रेनें लेट होती थी। अब ऐसा नहीं होगा, ट्रेनें क्रॉसिंग के लिए एक स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके बाद बात करें जोधपुर जयपुर डबलिंग की, तो केवल मकराना से लेकर गोविंदी मारवाड़ तक डबल ट्रैक नहीं होगा, वहां अभी भी काम चल रहा है। बाकी पूरे सेक्शन पर जोधपुर से लेकर मेड़ता, डेगाना, मकराना, उसके बाद अब गोविंदी मारवाड़, फुलेरा और फुलेरा से जयपुर तक डबल ट्रैक है। उम्मीद करेंगे कि मकराना से गोविंदी मारवाड़ तक डबलिंग जल्दी कम्प्लीट होगी, हालांकि इसमें अभी 3 से 4 महीने का समय और लग सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो के बारे में राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए। धन्यवाद।